के को पाश पाश ना किया सरदारी की दौलत को वापस आए। बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ मैं नहीं ये ना मैं पीछे देखो तो कोई मेरे साथ ना हो थोड़ा रेस्ट के लिए भी टाइम निकालो। आज फैसला कर ले और इन पुतों को पाश पास कर दिन रात करप्शन हो रही है और सबसे बड़ा नवाज शरीफ तुमने लूटा है सदियों हमारा सकून सरदारी नवाज शरीफ वेलकम बैक हम बात कर रहे थे जरदारी साहब की सियासी शतरंज के हवाले से कि वो कितनी कामयाब रही है अफवाज पाकिस्तान से लेके नवाज़ शरीफ साहब से लेके सबसे उन्होंने शतरंज लगता है खेली और अभी तक मुस्तकम सदर के तौर पे उभर रहे हैं जाहिर है उनके अप्स एंड डाउन आते हैं सुप्रीम कोर्ट से भी कॉन्फ्रेंटेशन हो जाती है लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे ही इज स्टिल देयर अब हमने शेख साहब से पूछना है कि एम क्यू एम के हवाले से जो ऐसे जो उनकी शतरंज नज़र आ रही है बनते हुए वो उसके बारे में क्या कहेंगे एक कंस्परीसी थ्योरी का और एक इंकशाफ का मैंने जिक्र किया था कि जरदारी साहब जो हैं वो कोई ऑपरेशन एम क्यू एम पर नहीं करेंगे जिस तरह एक दफ़ा पहले हो चुका है बल्कि उनकी पोलटिकल टर्फ़ पोलिटिकल प्लेयर्स के जरिए लेने की कोशिश करेंगे उन्हें स्क्वीज़ करेंगे ब्लीड करेंगे और अगर एम क्यू एम उनके साथ नहीं चलती तो फिर ज़ाहिर है ये स्क्वीज़ जो है वो और ज़्यादा होगी और हो सकता है कि एम क्यू एम की टर्फ जो है वो उसको अफेक्ट कर सकें आप किस तरह देख रहे हैं सर इस कंस्पेरसी थियोरी को देखें आसफ़ जरदारी और एम क्यू एम दोनों एक दूसरे की नफ़ी हैं दोनों दिल से एक दूसरे के साथ नहीं हैं एज ए पोलिटिकल वर्कर जो मेरी थीसिस है कि दोनों एक दूसरे पर एतबार नहीं करते और दोनों एक दूसरे को डाज देते हैं लेकिन आ, कुछ शार्टें एम क्यू एम ने ऐसी खेली लाइक के तीन रुपए पेट्रोल बढ़ा तो इसम्बली से बाहर आ गई नौ रुपये बढ़ा तो अंदर चली गई लेकिन मैं इचरतलबाद की वापसी को अकलमंदी का फ़ैसला समझता हूँ और जिस वक्त वो गए कश्मीर की सियासत की दो सीटें मैं समझता हूँ एम क्यू एम का मसला नहीं है एम क्यू एम एक हकीकत है एम क्यू एम से कोई उसकी सीटें नहीं छीन सकता और जब भी लोग मारे जाते हैं तो महाजर का वोट जो है वो और ज़्यादा उनके साथ इन टच हो जाता है और जो जुल्फ़कार मिर्ज़ा को एम क्यू एम ने बहुत ज़्यादा हवा दी है वो मैं समझता हूँ एक गंडासा दे दिया पीपल्स पार्टी के हाथ में इंटीरियर सिंध की सियासत करने के लिए बिला वजह इन्होंने ुल्फ़्फकार मिर्ज़ा के गो वो ऐसी सोच रखते होंगे लेकिन जो कुछ वो चाहते थे उसी पिच पे एम क्यू एम खेली लेकिन एम क्यू एम जो है वो इशरतलबाद साहब ने आमिर साहब से एक तय किया बैकडोर चैनल आज पाकिस्तान की सियासत में अहम है लेकिन वो सेकेंड पार्ट भी खेल लेते आ, उनका नाम है जो सै आफाक साहब का लेकिन इतने में पीपल्स पार्टी से अलहदा हो गया और पीपल्स पार्टी ने अपना काम दिखा दिया और इनमें आपस में काफ़ी सारे तलखियाँ अपने ग्रुपों में बढ़ गई लेकिन मुझे यकीन है कि एम क्यू एम जो है वो अपनी सूरत हाल पर ज़रूर फ़िक्र करती है ये काम करने वाले भी लोग हैं और ये समझते हैं कि उनके उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं उन पर उनको ज़रूर फिक्र होगी वो अपनी कामयाबियों और अपनी नाकामियों पर सोचते रहते हैं लेकिन इलेक्शन में इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम दो पार्ट की पार्टियां होंगी ये इकट्ठी नहीं होंगी चाहे ये दिखावे के लिए इकट्ठी भी हों अंदर से ये इकट्ठी ना हैं ना होंगी ना हो सकती हैं शेख साहब ये मुझे उस उस पर वापस आना है कि आपने कहा था कि मुशरफ साहब के हवाले से आपने कहा था कि उनकी सियासत भी जो है वो इतनी इम्पोर्टेंस जो है अब नहीं रखती सर uh, उन्होंने 23 मार्च की तारीख दी हुई है और अगर कोई और है इन छोटी पार्टीज़ में जिसमें आपकी भी पार्टी का शुमार होता है इमरान खान साहब की भी तहरीक का शुमार होता है तो उसमें मुशरफ़ साहब भी हैं तो उनका तेईस मार्च का वापस आना तेईस मार्च से पहले वापस आना उसको आप किस तरह देखते हैं मैं सदर मुशरफ साहब सबक सदर मुशरफ साहब को तेईस मार्च को पाकिस्तान वापस आता नहीं देख रहा मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि वह तेईस मार्च को वापस आएंगे और जब तक वो वापस नहीं आएंगे पाकिस्तान में उनकी सियासत उठान नहीं हो सकती उनकी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती मैं एज ए शेख रशीद सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ये नहीं समझता वो तेईस मार्च को आएंगे क्योंकि अकबर बुकटी का केस है सुप्रीम कोर्ट की ऑबज़र्वेशन बड़ी वाजें हैं, लाल मस्जिद का केस है हम तो यहाँ फेस कर रहे हैं सब लोगों को और फोर्थली आप देखें कि अगर बेनजीर जैसी शख्सियत पर विद इन ए टाइम थ्री सुसाइड होते हैं और जो दुनिया की तारीख़ में सदर मुशरफ़ साहब एक वाद शख्स थे जिन पर एक दिन में तीन सुडर गए सो उनकी लाइफ थ्रेट जो है कोई इस पोजिशन में नहीं हो सकेगा कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके अमेरिकन में उनको या दुबई में उनको बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी मैं उनकी सिक्योरिटी के भी सीरियस मसाइल देखता हूँ सो मैं तेईस मार्च को प्रेजिडेंट मुशरफ़ को आता हुआ पाकिस्तान में नहीं देख रहा उनकी पार्टी खफा ना हो ये मेरा तजिया अगर आए तो भले शौक से आए मैं दूर दूर तेईस को उनको आता हुआ नहीं देख रहा शेख एक और बात बताएं। PMLN ने जो इतना कहा कि जी हम छोड़ देंगे सियासत हम आगे चले जाएंगे हम मैं नहीं कर सकता ये सियासत नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया सर अगर इतना वायली अपोनेंट है और उनका इतना बड़ा साथी है पी एम एल क्यू में पी 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 और पी एम एल क्यू आपके सामने खड़े हैं आप क्या इलेक्शन के साल के अंदर इलेक्शन के आने से पहले वाले साल के अंदर सारी रियासती ताकत एक, कर सकते हैं इनके सामने क्या पी एम एल एन वाकई में ये सोच के इनको ये समझते हैं कि इसमें कोई फायदा होगा अगर जो थोड़ा बहुत इख्तियार है जो कि काफ़ी इख्तियार है पंजाब हुकूमत के हाथों में वो भी छोड़ के ये सियासत करें लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अभी तक तो अपनी कैबिनेट के वजीर किसी को ट्रेनिंग ही नहीं दी जी आप देखें कितना जुलम है ये ट्रेनिंग भी देते हैं तो अपने रिश्तेदारों को देते हैं सारी कैबिनेट की मिनिस्ट्रियाँ तीन साढ़े तीन साल हो गए हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियाँ उनके पास हैं सारे पंजाब में कोई इस अहल और काबल वजीर नहीं था उसके मुकाबले में आप देखें हिना रबानी कर, शेख हफीज़ और ये दूसरे लोग फैसल साल ये सब हमारी टीम थे क्योंकि हिना रबानी कर की हालब्रोक्स और दूसरे जब हम वजीर थे तो अमेरिकन के साथ इसकी चिट चैट जो है बहुत अच्छी थी और वो उसी ज़माने में इस पर नज़र रखे हुए थे और ये उनकी डिज़ायर और डिमांड थी आसफ़ जरदारी ने पूरी की गो के उन्होंने इंडिया में जा के मिनिस्टर कम और मॉडल के तौर पे ज़्यादा अपने आप को प्रोजेक्ट किया और इंडिया एक एक इसके पर रिप्रेजेंट करते हैं उनसे पूछना जरूर चाहूंगा क्लास का जो एक सिटीजन है वो किस तरह देखता है उनकी एक्सेसरीज को बस। मुझे कोई पर्सनली इसमें प्रॉब्लम नहीं है अगर वो इल गॉटन मनी नहीं है तो उनका हक है वो जो पहने जो करें इस पर भी लेकिन शेख साहब का व्यू लेंगे क्योंकि वो लोअर मिडिल क्लास को बहुत रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन एक ब्रेक के बाद